नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। अगर आप मुझे छोटा भाई मानते हो या बड़ा भाई मानते हो या गुरु मानते हो, जैसा भी आपकी एज के हिसाब से जो भी आप मुझे समझते हो, तो आज मैं जो बातें बताऊँगा, जो बिजनेस बताऊँगा, वो एक रिक्वेस्ट वे में लेना और करने की कोशिश करना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत लाभ होगा। देखिए, दिवाली आ रही है, दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो होता ये है कि इस समय लोग अपना बहुत बड़ा अमाउंट इसलिए रखते हैं कि उसमें वो खर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। इसको बड़ी बड़ी कंपनियां लाभ उठाती हैं। आप देखते होंगे कि आपका पूरा न्यूज़पेपर भरा रहता है, पूरी टीवियों में ऐड चलते रहते हैं, सोशल मीडिया में जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो ऐड चलते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह बड़ी बड़ी सेल लाती हैं, आपने देखा होगा। क्यों लाती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो हम सब भारतीय हैं, वो फेस्टिवल सीज़न में, इस सीज़न में अपना एक फंड रखते हैं जो खर्चा करेंगे। ठीक है, और इस फंड को कौन कितना ले जाता है, इस पे ही ये युद्ध चलता है। ठीक है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये, और जितने भी जैसे सरकारी नौकरी करते हैं या जो लोग नॉर्मल नौकरियाँ करते हैं, प्राइवेट नौकरियाँ करते हैं, तो सब की कंपनियाँ उन्हें बोनस भी देती हैं। बोनस क्यों देती है? ताकि वो उसे खर्चा कर सके। तो यानी एक बहुत अच्छा फंड मार्केट में सर्कुलेट होने के लिए तैयार होता है। और जब इतना अच्छा फंड मार्केट में सर्कुलेट होने के लिए तैयार है, लोग खर्चा करने के लिए एकदम रेडी हैं, तो आप अगर उसका हिस्सा ना बनो तो ये गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, आप लाखों रुपए कमा लोगे, नहीं कह रहा हूँ। बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आप इस सीज़न में बहुत अच्छा साहस बटोर पाओगे, आप इस सीज़न में बहुत अच्छा पावर ला पाओगे, अपने मेंटल स्थिति को बहुत स्ट्रांग कर पाओगे कि आप भी बिजनेस कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे बिजनेस हैं इस दिवाली में करने के लिए। आप गणेश लक्ष्मी बेच सकते हो, आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स बेच सकते हो, आप डेकोरेशन के सामान बेच सकते हो, आप कैंडल्स बेच सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट आप करो, मेरा मतलब देखिए, एक प्रैक्टिकल होता है ना, जिससे हम सब स्कूल में प्रैक्टिकल करते थे, छोटी छोटी चीज़ें हम स्कूलों में बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स बनाते हैं। इंजीनियरिंग में है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बहुत बार हम जैसे मान लीजिए मीडिया में हैं, तो हमें बाहर भेजा जाता है कि आप जाके वहाँ पर इंटरव्यूज़ लो, ये करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं ना, प्रैक्टिकल क्यों करते हैं? ताकि उनके अंदर वो जो झिझक है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो इवेंट आ रहा है, ये जो दिवाली आ रही है, या भविष्य में कोई भी ऐसा त्यौहार आए, तो आपको एज अ प्रैक्टिकल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, लाखों रुपए, इसी से आप बहुत बड़े माला माल बन जाओगे, नहीं। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इससे आपकी बिजनेस स्किल बहुत डेवलप हो जाएगी। अगर आप 18 से ऊपर हो ना, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको करना 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 ही चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये करो या ये करो, आप कुछ भी, झालर लगा लो, आप कैंडल्स लगा लो जैसा अभी मैंने बताया, आप डेकोरेशन के सामान लगा लो, आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा लो, आप गिफ्ट लगा लो, आप ड्राई फ्रूट्स बेचो, आप बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं, आपने देखा होगा, कैबरीज के, इसके इसके, वो बेचो। बट कहाँ बेचोगे? कोई दुकान नहीं लेनी है, जहाँ सबने लगाया वहाँ लगा लो। इससे पता है, मतलब ये कह के ना लगाओ कि नहीं मैं बहुत कुछ करने जा रहा हूँ, ये कह के लगाओ कि मैं एक प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, मैं बिज़नेस को समझना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस को सीखना चाहता हूँ कि कैसे खरीदारी होती है, कैसे कस्टमर बात करते हैं, क्या किस किस नेचर के लोग आते हैं, और कैसे हमें हिसाब किताब मेंटेन करना होता है, और जो इन्वेंट्री बचती है उसका क्या करना होता है। ये सब कुछ आप इस छोटे से प्रोडक्ट में सीख जाओगे, इस प्रोजेक्ट में सीख जाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, ऐसे क्या है ना, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। 100% आपका सामान पूरा बिक जाएगा, ये भी क्लियर है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि फंड है, सब लोग फंड है सबके पास खर्चा करने के लिए, तो इस अवसर का लाभ उठाओ। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, अच्छे से देखते हो, कुछ करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं सुन तो बहुत साल से रहा हूँ लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे आते हैं, तो प्लीज़ ये अवसर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दिल्ली भागने लगना, कलकत्ता भागने लगना, मद्रास भागने लगना, बड़े बड़े शहरों में घूमना, जहाँ हो, जिस शहर में हो, वहाँ की होलसेल मार्केट में चले जाना। और एक चीज़, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दिया भी रख लो, आप मोमबत्ती भी रख लो, आप डेकोरेशन भी रख ना, एक कोई होलसेलर पकड़ना जिसके पास जो आइटम है वो लाके अपने यहाँ, मतलब आप जो पहला काम करने जा रहे हो ना, उसमें ये नहीं कि आप कॉम्प्लिकेटेड कर दो,
आप जब फर्स्ट चीज प्रयोग करने जा रहे हो तो आप कॉम्प्लिकेटेड ना करो, आप सीधा समझो कि आपको एक होलसेलर के पास जाना है जो आपके शहर में है, उससे माल खरीदना है और अपने यहाँ किसी भी तखत में, स्टॉल टाइप में, किसी भी चीज़ में लगाना है, और वहाँ लगाना है जहाँ सब ने लगाया हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपका हटवा दे, जहाँ सब लगाए वहाँ आपको लगा देना है, ठीक है। और वो जो रेंट वगैरह पड़ेगा वो सबका पड़ेगा, वो आपका पड़ेगा, बस आप अपना लगाओ, आप एक प्रैक्टिकल करो। और मैं इसीलिए इजी कह रहा हूँ कि किसी भी होलसेलर से लाना, जिसके पास बस एक होलसेलर पकड़ लेना, उसके बाद जो सामान है ला के रख लेना, बेच लेना, बात कर लेना। अगर होलसेलर मान जाए कि सर अगर जो माल बचे तो वापस कर लीजिएगा, मानते नहीं है, फिर भी अगर आप हम्बल तरीके से बात करोगे तो होने को सब कुछ हो सकता है ना। तो बस इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पैसा रेडी है आपके ऊपर लगने के लिए, आपका माल बिकने के लिए रेडी है, आपके लिए पूरा फेस्टिवल रेडी है, आपका मतलब बिजनेस के लिए। कौन रेडी नहीं है? सिर्फ आप रेडी नहीं हो। अगर आप रेडी हो जाओ, और मैं आया हूँ आपको रेडी करने के, बस आप रेडी हो जाओ, एक बार प्रैक्टिकल करो, कमेंट्स करो कि क्या हुआ भाई, अच्छा हुआ बुरा हुआ। देखिए जब बच्चा चलना सीखता है ना, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो माँ बाप को भी पता होता है कि गिरेगा। ऐसा कोई माँ बाप होगा, पिता होगा, दादा होगा, बाबा होगा, कि ये जानता है कि ये मैं जो उठा रहा हूँ इसको और ये जो चलेगा ये गिरेगा नहीं? ऐसा कुछ कभी सुना है कि वो बच्चा जो पहली बार खड़ा हुआ भागने लगा? ऐसा नहीं होता ना। माँ बाप को भी पता होता है, गुरु को भी पता होता है, उनके दादा नाना सबको पता होता है कि ये बच्चा खड़ा हुआ है, अभी गिरेगा। अगर ये गिरेगा नहीं तो ये चलना नहीं सीखेगा। इसीलिए वो सड़क पे नहीं चलाते हैं, वो कमरे में कि यार बेटा चलो उठो, गिरोगे कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे पता है कि इतना अच्छा कुछ कोई कोई बहुत अच्छा कुछ कर ले जाएगा, कोई कोई नहीं करेगा, लेकिन ये छोटे छोटे इवेंट्स हैं ना, ये आपको बड़ा नुकसान से बचाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आप बहुत बड़ा कुछ कर लो, जेंटल आपसे बात कर रहा हूँ, जेंटल तरीके से, एकदम साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कठिन कठिन शब्दों के प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बहुत हल्के शब्दों से आपको ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि इस दिवाली कुछ करो, कमेंट्स करो कि सर मैंने ये किया, ये किया, ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ, कुछ भी XYZ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सर मैं 1,000 का सामान लाया था, सर मैं 10,000 का सामान लाया था, 8,000 का बिका, 2,000 का नुकसान हुआ, वेरी गुड, और 5,000 का सामान बचा है, 100% बात बचेगा ही। और सर मैं 10,000 का सामान लाया था, 15,000 का बेच लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बात ये नहीं है कि आपने ज़्यादा का बेचा, बात ये नहीं कि आपने कम का बेचा, बात ये है कि आपने किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बात ये नहीं है कि आप दौड़ में तीसरा नंबर लाए, आप दौड़ में पहला नंबर लाए, अच्छी बात यह है कि आपने दौड़ में भाग लिया। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, बस मेरी एक रिक्वेस्ट मान के, मेरी एक एक तरीके से अपील मान के, आप सब इस दिवाली में कुछ ना कुछ करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो आपको लगता है करो, करने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इतना ही कहना था, अगले फिर किसी अच्छे वीडियो में आपके साथ हूँगा, फिर से नई आइडिया लेके आपके सामने आऊँगा। अगर आपको इसमें कुछ खराब लगा हो, कुछ गलत लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भी बताना कि क्या अच्छा लगा। बस इतना ही कहना था, अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।